हेलो गैस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो हाजिर हूँ दोबारा एक नई वीडियो के साथ। तो बात करते हैं वर्ल्ड कप की। तो वर्ल्ड कप में सुनने में ये आ रहा है कि वर्ल्ड कप में जो है वो इंडिया ने डबल गेम खेली है तमाम ममालिक के साथ। और वर्ल्ड कप में जो है वो इंडिया चूँकि होस्ट है, तो उसने जो है वो होस्टिंग राइट्स को जो है वो इस्तेमाल किया है, और तमाम जो अपने मैचेज़ हैं वो अपने मर्जी के स्टेडियम्स में रखे हैं, और जहाँ उनका दिल किया है वहाँ पर जो है उन्होंने मैचेस रखे हैं। और जहाँ जहाँ उनको पता था कि हमारे मतलब के बॉलर्स को या बैट्समैन को जो है वो पिचेस सपोर्ट करने वाले हैं, वहीं वहीं पर जो है वो अपने मैचेस रखे हैं। और जहाँ पर उनको पता था कि ये टीमें हमको जो है वो फलां ग्राउंड पर जो है वो फंसाने वाली हैं, तो वहाँ पर उन्होंने मैचेस नहीं रखे, और उन मैचेस को जो वेन्यूज़ हैं वो चेंज कर दिए। और जहाँ जहाँ जो दूसरी टीम मुखालिफ फंस सकती थी और उनको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा था, वहाँ पर जो है उन्होंने मैचेस रखे। जैसे कि पाकिस्तान ने भी इशू उठाया था कि हमारा जो मैच है वो चेन्नई से जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए बेंगलोर में, और बंगलौर का जो मैच है वो शिफ्ट कर दिया जाए ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूँ चेन्नई में। तो ये चीज़ इंडिया ने नहीं मानी। इंडिया को पता था कि जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने एक किस्म का जाल बिछाया कि पाकिस्तान के जो है बैट्समैन है वो स्पेन के ख़िलाफ़ मतलब फंस सकते हैं अफगानिस्तान के ख़िलाफ़। तो उन्होंने जो मैच रखा है वो चेन्नई में, ताकि चेन्नई की जो विकेट है वो स्पिन विकेट है, और अफगानिस्तान के पास काफ़ी जो है वर्ल्ड क्लास किस्म के स्पिनर हैं। और इसी तरह बेंगलुरु में मैच रखा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, तो उनको पता था कि ऑस्ट्रेलिया की जो पिच है वो पेस को जो है सपोर्ट करती है। गो के पाकिस्तान के पास भी पेसर हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास भी काफ़ी अच्छे पेसर हैं। तो इंडिया ने जो है वो होस्टिंग राइट का काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा उठाया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चेयरमैन पीसीबी की। तो सुनने में आ रहा है कि वो पीसीबी के जो चेयरमैन है जक्का अशरफ, उनका जो मामला है वो शायद बहुत जल्द जो है वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि 10 जुलाई को जो है वो पीसीबी की आईसीसी की जो है वो मीटिंग होने वाली है, और वहाँ पर जो है वो पीसीबी चेयरमैन को होना लाजिम है। और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी जो है वो इस मामले के ऊपर जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो अब नज़र रखना शुरू कर दिया है, जो इस मामले के हल की जानब जो है वो उन्होंने थोड़ा बहुत जो है इकदाम करना शुरू कर दिए हैं। जैसा कि कल सुनने में खबरें आई थी कि उन्होंने जो है वो मैनेजमेंट कमेटी में जो नजम सेठी की तमाम मामला थे उनकी तमाम जो फाइलें हैं वो अपने पास में बुलवा ली हैं, और कोर्ट ने भी स्टे के ऑर्डर कर रखे हैं। लेकिन गवर्नमेंट अगर इस मामले में घुसे और मैनेजमेंट कमेटी के जो मामला थे उनको अगर तय कर ले, तो जल्द अज जल्द जो है वो इस मामले को ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि आगे जो मीटिंग है आईसीसी को पाकिस्तान के लिए काफ़ी अहम रहने वाली है, क्योंकि वहाँ पर भी चैंपियन ट्रॉफी के मामला जो हैं वो डिस्कस होने वाले हैं पाकिस्तान में जो होने वाली है, और इसके अलावा वर्ल्ड कप के जो मामले हैं वो भी पाकिस्तान के लिए डिस्कस होने वाले हैं। और दोनों जो मामले हैं वो काफ़ी अहम है पाकिस्तान के लिए, और वहाँ पर अगर पीसीबी का चेयरमैन नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान के जो मतलब कि आवाज़ उठाने वाला कोई बंदा नहीं होगा। अगर पीसीबी से कोई छोटा मोटा बंदा सीईओ वगैरह या कोई भी चला जाता है तो उसकी भी जो वो बात नहीं रहेगी कि जो चेयरमैन पीसीबी की बात होती है। तो सुनने में ये आ रहा है कि जल्द अज जल्द जो है वो शायद जक्का अशरफ को जो है वो पीसीबी चेयरमैन लगा दिया जाए, और तमाम जो मैनेजमेंट कमेटी के मसले थे जिन वजह से जो है वो मामला कोर्ट में गया था, वो जो मामला है वो शायद गवर्नमेंट हल कर दे, और जक्का अशरफ जो है वो पीसीबी के नए चेयरमैन आने वाले दिनों में जो है वो आपको नजर आएंगे देखने में। तो ये छोटी सी आज की अपडेट थी, अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो।